तो बच्चों, दोस्तों, पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में यह समझेंगे कि कांग्रेस का विकास कैसे हुआ, पुराने नेता का विचारधारा क्या था, जो नए नेता कांग्रेस में आए उनकी विचारधारा क्या थी, यह दोनों विचारधारा के लोग कैसे अलग थे परंतु इनका मकसद एक ही था, तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि 1857 के बाद, सैनिक विद्रोह के होने के बाद, भारत पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत की जनता में भी सोचने में, समझने में, विचार में, भावना में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। लोगों ने यह समझा कि 1857 के विद्रोह में संगठन की कमी महसूस की गई है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, ऑर्गेनाइज्ड उस लेवल पर नहीं थे जिस लेवल पर होना चाहिए था, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में कमी महसूस की गई। तो लोगों ने इस बात को समझा कि अगर अंग्रेजों को विरोध करना है तो हम लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, संगठित होकर काम करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी आवाज़ को ब्रिटिश हुकूमत तक या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहुंचा सके। क्योंकि 1857 के विद्रोह में यह महसूस किया गया कि विद्रोह तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत बड़े रूप में हुआ, काफ़ी लोगों ने भाग लिया, परंतु लगभग लगभग सभी अकेले अकेले लड़ रहे थे, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। तो यह 1857 के बाद लोगों में यह भावना आई कि एक होकर, ऑर्गेनाइज्ड होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा या उनके खिलाफ कार्य करना होगा, तभी जाकर उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी। इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज हुआ, इम्पोर्टेंट चेंजेस आया भारत में, वह था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना फाउंडेशन 1885 में की गई थी, 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनमें अंग्रेज भी सम्मिलित थे, ब्रिटिश के लोग भी थे और भारतीय लोग तो थे ही। जैसे कि कुछ अंग्रेजों में कुछ प्रमुख नाम था, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे, विलियम वेडरबर्न, ए ओ ह्यूम, बहुत सारे लोग थे। भारतीयों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, यह सब व्यक्ति उस समय प्रमुख थे, मेन थे। इन सभी लोगों ने यह इस बात को समझा कि ऑर्गेनाइज्ड होकर, संगठित होकर अगर अपनी बात को ब्रिटिश साम्राज्य तक, ब्रिटिश अंपायर तक, ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाई जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बातों को जरूर सुनेगी और उनके जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको अवश्य दूर करेगी। इन लोगों को विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि एक सभ्य गवर्नमेंट है, यह भारतीयों की बातों को, उनकी आवाज़ों को अवश्य सुनेगी और इनकी तकलीफ़ों को, भारतीयों की तकलीफ़ों को दूर करेगी। इन लोगों ने चूंकि यह समझा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, सभ्य गवर्नमेंट है, इसलिए इनकी बातों को ब्रिटिश सरकार अवश्य सुनेगी। इसके लिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट, पेटीशन, प्रेयर का माध्यम चुना, अर्थात उन्होंने आवेदन दिया, प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया और इस प्रकार से उन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने भारतीय लोगों की इम्पोर्टेंट मांगों को, इम्पोर्टेंट बातों को ब्रिटिश सरकार के
सामने रखा। इस बात पे आज के दिन में काफी बहस होती है कि यह क्या तरीका था, यह पेटीशन देना, यह रिक्वेस्ट करना, यह प्रेयर करना कहाँ तक उचित था। परंतु दोस्तों, यह बच्चों यह समझने का प्रयास करें कि अभी अभी 1857 में इतने बड़े विद्रोह को अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया था, दमन कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। तो अभी भारत इस अवस्था में नहीं था कि वह किसी प्रकार से बड़ा विद्रोह कर सके, बड़े रूप में विरोध कर सके। विरोध करने पर, विद्रोह करने पर, ठीक उसी तरह जिस तरह से 1857 में विद्रोह को दबा दिया गया था, अत्याचार किए गए थे, सप्रेस किए गए थे, फिर से वही रिपीट होता, उसी की पुनरावृत्ति होती। इसलिए उस समय के लोगों ने पेटीशन, एप्लीकेशन, प्रेयर और रिक्वेस्ट को चुना। साथ में यह भी भय था कि जो और भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन आ रहे थे, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बने थे, उनको भी बंद कर दिया जाता, उनको भी दमन कर दिया जाता, उनको भी सप्रेस कर दिया जाता। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनने का जो इन लोगों ने विचार रखा था वह ही नहीं हो पाता। सही समय पर सही कार्य करना, सही रणनीति अपनाना ही समझदारी है। तो उस समय की सही रणनीति, सही समझदारी यही थी कि आप रिक्वेस्ट और पेटीशन के माध्यम से ही अपनी बातों को रखें, क्योंकि आपकी आवाज़ अगर प्रखर होगी, हाई होगी, तेज होगी, तो ब्रिटिश अभी बहुत शक्तिशाली है, वह आपकी बातों को, आपकी आवाज़ों को दबा देंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1919 में जालियांवाला बाग हुआ था। जालियांवाला बाग में एक गंभीर हत्याकांड हुआ था। तो 1919 में भी हम लोग इतने सक्षम नहीं थे, इतने कैपेबल नहीं थे कि ब्रिटिशों की मुकाबला हथियार से, गोला बारूद से, सशस्त्र से, आर्म्ड फोर्सेस के रूप में कर सके। ब्रिटेन उस समय सबसे शक्तिशाली देश था। तो 1857 में भी उसने सप्रेस किया था, दमन किया था, और 1919 में जालियांवाला बाग में भी उसने क्रूरता, क्रुएल्टी दिखाई थी। और यह 1885 बीच में आता है, इसलिए उस समय यह स्थिति नहीं थी कि आप अपने विरोध को किसी और अन्य तरीके से प्रखर रूप में, हाई रूप में कर सके। उस समय की समझदारी यही थी जो उस समय के इन नेताओं ने समझा। हालांकि हमेशा ही ऐसा नहीं रहा, धीरे धीरे चीज़ें बदल गई और धीरे धीरे विरोध करने का तरीका भी बदला। परंतु इन सभी बातों पर चर्चा आगे होगी। तो वापस आते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इन लोगों ने आवेदन, पेटीशन, प्रेयर, रिक्वेस्ट के माध्यम से जनता की मांगों को, इम्पॉर्टेंट मैटर्स को ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश अम्पायर के सामने रखा। जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को अंग्रेजों की नीतियों को समझाने के लिए इन लोगों ने न्यूज़पेपर का सहारा लिया, मीटिंग्स किया, रैलियां निकाली, पर्सनल टॉक्स किए। तो इस तरह से ये लोग जो हैं, जो कांग्रेस के जो पहले पुराने सदस्य थे, मेंबर्स थे, इस तरह से वह जनता को जागरूक करने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी, एक सभ्य गवर्नमेंट थी, मगर वह सिर्फ अपने देश के लिए थी, अपने लोगों के लिए थी। जिन देशों पर वह शासन करते थे वहाँ पर यह सभ्य गवर्नमेंट नहीं कहला सकते। इन्हें सभ्य गवर्नमेंट कहलाने का
सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि इन लोगों ने जिन देशों पर शासन किया उनका शोषण किया, सप्रेशन किया और अपने फायदे के लिए नीतियां बनाई और गुलाम देशों को कभी विकास नहीं करने दिया, डेवलप नहीं होने दिया, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने से रोका और हर संभव प्रयास किया। तो इसी क्रम में कांग्रेस ने या अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनकी मांगों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने अनसुना कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे कांग्रेस और अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मांगों को पेटिशंस के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, उनमें काफ़ी असंतोष आया, डिससेटिस्फैक्शन की भावना आई और अब उन्हें लगने लगा कि कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो देखिए, बदलाव तो हो रहा है। इस बदलाव को, इस परिवर्तन को और बल मिला जब कांग्रेस में नए नए मेंबर्स आने लगे, कांग्रेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कांग्रेस मतलब कांग्रेस की मेंबरशिप, सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, नए नए मेंबर्स आने लगे। नए मेंबर में कुछ प्रमुख नाम हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। और इनके जैसे और नए नेता, यह सब पुराने नेताओं की भांति नहीं सोचते थे, इनके सोचने का तरीका अलग था। इसलिए पुराने नेता और यह जो नए यंग नेता आए, इनके विचारों में डिफरेंस होने लगा, ओपिनियन में डिफरेंस होने लगा। ओपिनियन में डिफरेंस था, मकसद में नहीं, टारगेट में नहीं, गोल में नहीं, आपस में लड़ाई नहीं थी, विचारों की भिन्नता थी। ओपिनियन में डिफरेंस था, टारगेट, गोल, मकसद तो एक ही था, भारत को आज़ाद कराना, भारत से ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकना। तो दोस्तों, बच्चों, जो पुराने नेता थे, दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी, जिन्हें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, यह सब नेता इस नए विचारधारा से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि पुराने तरीके से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाएं और उनसे दरखास्त करें, रिक्वेस्ट करें, पिटीशन करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बातों को जरूर समझेगी, पर नए नेताओं में अधीरता थी, इतना पेशेंस नहीं था और यह हो भी नहीं रहा था। जो समय बीता उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांगों को अनसुना कर दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण से भी नए नेताओं में कुछ ज़्यादा ही असंतोष था। वे चाहते थे कि त्वरित कार्रवाई हो, इमीडिएट एक्शन हो, और वो यह भी चाहते थे कि नए नए मेंबरों को अधिक से अधिक संख्या में लाया जा सके, जिससे कांग्रेस की संख्या बढ़ सके और संख्या विशाल होने से, अधिक होने से ब्रिटिश सरकार पर उतने ही दबाव के साथ विरोध किया जा सकेगा। संख्या अधिक होने से ब्रिटिश सरकार का विरोध अधिक तेजी से, प्रखरता से किया जा सकेगा। इसलिए यह सब कांग्रेस की मेंबरशिप को बढ़ाना चाहते थे, इमीडिएट एक्शन चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने तो न्यूज़पेपर भी निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने मराठी में न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था केसरी। केसरी मराठी न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया, जिसके कारण अंग्रेज इन्हें ना पसंद करने लगे, नहीं पसंद करते थे और उन्होंने तिलक को काफ़ी कष्ट दिए, काफ़ी उनका दमन किया, परंतु तिलक नहीं माने। उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल लिखना जारी रखा, अंग्रेजों के विरुद्ध बोलना जारी रखा। पुराने नेताओं में कुछ थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं,
वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीष्म पितामह थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी एक काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का प्रतिपादन किया, बताया फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ को। उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से धन का दोहन कर रही है, अर्थात ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से भारत का शोषण करके, सप्रेशन करके यहाँ की धन को बाहर में ले जा रही है और भारत का विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ का धन बाहर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया। गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े लीडर थे। महात्मा गांधी जो कि अभी तक नहीं आए हैं भारतीय स्वतंत्रता के इस लड़ाई में, वह अभी आने वाले हैं, उनके भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। जब गांधी जी राजनीति में आए तो राजनीति में उन्होंने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वह उनके स्कूल के टीचर नहीं थे। वह राजनीति में जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो यह सब महान महान लीडर थे और यह सब लीडर SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लीडर यह चाहते थे कि पुराने विचार के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार इन बातों को समझेगी। पर यह जो नवीन नेता थे, जो नए नए नेता थे, लाल बाल पाल और बाकी अन्य, यह इस विचारधारा के, इस आइडियोलॉजी के पक्षधर नहीं थे। वह त्वरित कार्रवाई, इमीडिएट एक्शन चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस समय जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी बातों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ना सुनने के कारण असंतोष की भावना, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगे ज़्यादा संख्या में, उनके विचार भी अंग्रेजों की तरफ बदलने लगे। अब तो कुछ हिंसा का सहारा भी चाहते थे, सशस्त्र तरीके से, आर्म्स की मदद से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। आने वाले समय में कुछ ऐसे केसेस हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण यह जो नए विचार थे उनको और अधिक बल मिला। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा क्या हुआ। आने वाले में एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। ब्रिटिशों ने यह तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए इसको रूल करने में, इसमें लॉ इम्प्लीमेंट करने में, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इस एरिया को, इतने बड़े एरिया को दो भागों में बांट दिया जाए जिससे कि लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में सुविधा हो, कानून लागू करने में सुविधा हो, एडमिनिस्ट्रेशन करने में सुविधा हो, शासन चलाने में सुविधा हो। उन्होंने यह तर्क दिया, परंतु वास्तविकता में, एक्चुअलिटी में बात कुछ और थी। बंगाल उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, सेंटर था। अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध सबसे अधिक आवाज़ें इसी क्षेत्र से उठ रही थी। इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, वीक करने के लिए
अंग्रेजों ने यह चाल चली कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो एक्चुअल में यह बात थी, परंतु दिखावे के लिए उन लोगों ने कहा कि बंगाल का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए पार्टीशन करना पड़ रहा है। जब लोगों को यह समाचार मिला, लोगों तक यह बात पहुंची, तो लोगों ने इसका विरोध किया, प्रखर विरोध किया, जोर से विरोध किया। लोग इस बात के लिए सहमत नहीं हो रहे थे कि बंगाल का विभाजन किया जाए, लोग इस विभाजन को नहीं चाहते थे। लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने पेटिशन लिखे, लोगों ने प्रयास किए, लोगों ने रिक्वेस्ट किए, परंतु उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, 1905 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, उसने भारतीयों की मांगों को अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, और उसने 1905 में भारत बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में इस तरह से बंगाल का विभाजन हो गया, लोगों की भावनाएं आहत हुई, लोग दुखी हो गए। पूर्वी हिस्से बंगाल के और पश्चिमी हिस्से बंगाल के, मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल को बांट दिया गया। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी और इस प्रकार से अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम एक हैं, आपके बंटवारा करने से हमारी एकता में कोई कमी नहीं होगी। और यह बात सच भी साबित हुई, क्योंकि यह वही बंगाल प्रांत था जहां पर आने वाले समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने ब्रिटिशों को भारत से बाहर उखाड़ फेंका। तो अंग्रेज जो है, जिस मकसद से बंगाल का पार्टीशन किए, आने वाले समय में उसी बंगाल ने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया। इसके साथ साथ जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो चाहते थे कि इमीडिएट एक्शन हो, त्वरित कार्रवाई हो, इनकी बातों को और अधिक बल मिला, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया, लेटर लिखने से काम नहीं हुआ, पेटिशन आवेदन देने से काम नहीं हुआ, रिक्वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये लोग अब इस बात में कोई विश्वास नहीं रखते थे कि लेटर देना होगा, पेटिशन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, और लोग भी ऐसा ही समझने लगे। तो इनका जन आधार, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लोग बाल गंगाधर तिलक को इसलिए लोकमान्य भी कहते हैं। बाल गंगाधर का पूरा नाम लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक का एक और नाम लोकमान्य तिलक भी है। लोकमान्य जो पूरे लोक को, पूरे देश से को मान्य हो, वही व्यक्ति तिलक है, लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक को और अन्य उस समय के नेताओं को, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन सब के विचारों को बल मिला, लोग इनकी बातों को सुनने लगे, इनकी और आने लगे। तो ऐसे समय में इन नए नेताओं ने पुराने उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बोस, हालांकि इन लोगों ने भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उस समय जो सिचुएशन था, उस समय जो स्थिति थी, उस सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से उन लोगों ने सही तरीके से काम किया, क्योंकि भारत उस समय में कोई दूसरी नीति, कोई दूसरा तरीका अपनाने के लिए तैयार नहीं था। परंतु अब समय आगे बढ़ चुका था, नई संभावनाएं थी, नए तरीके, नए स्ट्रैटेजी, नए प्लान को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का समय आ गया था। इसलिए तिलक जैसे नए नेताओं ने यह महसूस किया कि अब पुरानी पद्धति, पुरानी प्रोसेस, पुराने स्ट्रैटेजी, पुराने प्लान से काम नहीं चलेगा, अब कुछ नया स्ट्रैटेजी, नया प्लान, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक आंदोलन चालू किया, जिस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन।
यह किस प्रकार से पुराने प्रोसेस से, पुराने पद्धति से, पुराने विचार से अलग था, इसको समझेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यह स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट में क्या नया स्ट्रेटजी था, क्या नया प्लान था, इस बात को आगे समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का महानायक महात्मा गांधी, जिनका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आना अभी बाकी है, उस महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा नया स्ट्रेटजी, कौन सा नया प्लान लाया कि ब्रिटिशों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा और भारत को आज़ादी देनी पड़ी। तो दोस्तों, बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यह स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन क्या था, यह न्यू स्ट्रेटजी क्या थी, यह न्यू प्लानिंग क्या थी, यह किस प्रकार से पुराने स्ट्रेटजी, पुराने प्लानिंग से अलग थी। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग, नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।